बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वॉचिंग office.com.pk। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो वी विल सी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर देयर विच कैन बी अकर इन ह्यूमन बींग्स एंड हाउ दे कैन अकर, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर इन द बॉडी। Before going towards the main topic, we will firstly introduce that what actually diseases are and how they make us ill. Diseases को अगर हम आम ज़बान में बीमारियाँ कहते हैं और diseases make us ill. When any organism enters in your body, it can cause disease in number of ways. हमारी body के अंदर जो diseases आती हैं वो उसी वक्त cause होती हैं जब हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता। सो टुवर्ड्स दिस पॉइंट, डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शनिंग, अबाउट द मेथड्स ऑफ इन्फेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडीज, और हमने उसमें देखा है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, किस तरह से उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एक दूसरे से फ़र्क है। बट ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली अटैक इन ह्यूमन बॉडीज थ्रू फूड और थ्रू एनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट मैथड्स। सो हमारी बॉडी में डिजीजेज उस वक्त कॉज होती हैं व्हेन वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स। नाउ हेयर डेफिशिएंसी मींस लैक, मींस कमी होना। जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड की कमी हो जाती है, उसी वक्त हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल अकर। I told you earlier in one of my previous lecture that there are many different types of food including protein, carbohydrates, vitamins, minerals, fats, etc. These all are essential for a balanced diet. अगर हम अपनी balanced diet के अंदर इनको नहीं लेते तो हमारे अंदर some quantity of essential types जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, उनकी deficiency होना start हो जाती है और as a result हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहते हैं या फैट्स लेते रहते हैं और आप बाकी जो टाइप्स ऑफ फूड्स हैं या बाकी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर करते रहते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट्स की डिपोजिशन होगी। आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिलेगी लेकिन आपकी बॉडी जो है वो अल्टीमेटली फैटनेस की तरफ जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो सुस्त होती जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी को सिर्फ टू टाइप्स ऑफ फूड की आदत हो जाएगी। सो बैलेंस डाइट का मतलब ही यही है कि अगर आपने फूड को इनटेक करना है सो यू मस्ट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड यू हैव टेकन। जब हमारी बॉडी के अंदर उन कंपोनेंट्स में से मिनरल्स और विटामिंस की कमी हो जाती है, उसी वक्त हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस की जो स्टार्ट है वो हो जाता है। किस तरह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम मौजूद है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जिसके थ्रू हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नेचुरली तौर पर फाइट कर सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम आपका कंट्रोल में है और आपका स्ट्रॉन्ग है विद द हेल्प ऑफ एक्सीलेंट और बैलेंस्ड डाइट, तो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हो गया है वो आपको वक्ती तौर पर थोड़ा नुकसान पहुँचाएगा लेकिन वो डिजीज़ कभी भी आपकी बॉडी में ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकेगी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इफ़ योर बॉडी इज lacking with vitamins and minerals, उस केस में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो उसका सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है वो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर होगा, आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से होगा। जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो आउटसाइड के जो अटैकर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया उनके साथ फाइट कर सके और एज अ रिज़ल्ट यू विल फेस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना छोड़ देते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। ये जो डिज़ीज़ का स्टार्ट है ये सिंगल सेल से होता है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर और मैं उस बात को रिपीट करती हूँ कि जब हमारी बॉडी के सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज़ बना लेते हैं, जब टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनता है और ऑर्गन की कम्बिनेशन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं।
तो अगर आपकी जो बेस है, फॉर एग्जांपल सेल इज़ द फर्स्ट स्टेज फॉर योर ऑर्गन सिस्टम, अगर सेल के अंदर ही कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद जितने भी सेल की डिवीजन होगी या जितने भी उसके आसपास सेल्स मौजूद होंगे उन सब के अंदर वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता से फैलता जाएगा, बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हैज़ एंटर्ड इन योर बॉडी विल ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज इन नंबर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जाएगा और वो आपकी बॉडी के हर सेल के ऊपर इन्वेड करना स्टार्ट कर देगा। अल्टीमेटली होगा कि ना ही सिर्फ आपका एक सेल बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इससे इफ़ेक्टेड होगा और आपकी जो बॉडी की वर्किंग है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा स्टमक है वो जब किसी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, हमारे स्टमक में पेन होती है, तो हमारा स्टमक सिर्फ उससे इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और भी जो ऑर्गन्स मौजूद हैं और भी जो पार्ट्स मौजूद हैं वो भी उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। हमें फूड इनटेक करने में प्रॉब्लम होती है, फूड जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमें बर्निंग फील होती है और हमारे जो इंटेस्टाइन तक जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उन सब के अंदर हमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है, हमें पेन स्टार्ट हो जाती है। सो the diseases are caused by different types of germs and microorganisms and they affect the organs like liver, heart, kidneys, etc. Now diseases are of generally two types. First type is non-communicable disease and the second type is communicable disease. Now you need to understand the worldly meaning of this name, non-communicable disease. Non means not. कम्युनिकेबल मीन्स कम्युनिकेशन से ये वर्ड निकला है और कम्युनिकेशन का मतलब होता है राबता रखना, वो राबता आपका जिस भी थ्रू से है, आइदर थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू टॉकिंग, थ्रू एनी टाइप ऑफ वे यू कनेक्ट टू विद ईच अदर, तो वो आपकी कम्युनिकेशन के अंडर आता है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो विदाउट कम्युनिकेशन किसी भी पर्सन के अंदर हो सकती हैं, दोज डिजीज़ आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दीज डिजीज़ इज़ दैट द डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मैंने पहले बात की कि द स्टमक डिसऑर्डर्स दीज कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दीज कैन अकर एनी पर्सन एट एनी टाइम ड्यू टू द रॉन्ग इनटेक ऑफ फूड ड्यू टू द इम्बेलेंस डाइट, वो किसी के अंदर भी हो सकती है और अगर किसी को मैदे की तकलीफ़ है तो वो कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट नहीं होती, उन डिजीज़ को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये यूजली हमारे पास वो डिजीज़ जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं या आप कह लें कि फंगल डिजीज़ हैं, प्रोटोजोन किसी जो डिजीज़ होती हैं जैसे डाइजेंट्री है, डायरिया है, तो वो आपको कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट नहीं होंगी, इस वजह से दीज आर कंसिडर्ड अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देन दे ऑल्सो इंक्लूड द डेफिशेंसी डिजीज़। वट आर डेफिशेंसी डिजीज़? डेफिशेंसी डिजीज़ उन बीमारियों को कहा जाता है जो किसी एक फूड के कंपोनेंट की कमी की वजह से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक बच्चे को हर किस्म की खुराक मिल रही है, उसको ऑल टाइप्स ऑफ फूड इक्वल अमाउंट में मिल रही हैं, लेकिन उसको कैल्शियम जो है, कैल्शियम मिनरल जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा, उसकी वजह से उसके बॉडी के पार्ट्स में कैल्शियम की कमी के कोई ना कोई साइंस शो होना शुरू हो जाएंगे और वो बच्चा जो है वो वीक ही रहेगा, ना उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी प्रॉपर होगी, ना उसकी ग्रोथ कैपेबिलिटी जो है वो प्रॉपर होगी। ऐसी डिजीज़ को जो किसी मिनरल या किसी भी फूड के कंपोनेंट की कमी की वजह से हो जाएं, उन डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम देते हैं। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो शिफ्ट नहीं होती और उन डिजीज़ को हम कहते हैं कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो किस किस तरह से हो सकता है? द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट विटामिंस विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर डेली फूड, इनको हमारी डेली फूड का हिस्सा लाजमी होना चाहिए और ये जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिंस हैं ये अगर आप डेली लेते रहें तो आपको किसी भी किस्म की जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो नहीं होगा और उससे आप इजीली बच सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी आ जाती है या आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क परफॉर्म नहीं कर रही होती, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं पर पेन फील हो, समटाइम आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको बहुत जल्दी सर दर्द स्टार्ट होने लगता है, उन चीज़ों वो भी इस चीज़ का सिंबल है कि आपके अंदर किसी ना किसी एक कंपोनेंट ऑफ डाइट की कमी है।
सो उसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपको हमेशा ये सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड टेक सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम और यू शुड टेक सम अमाउंट ऑफ विटामिंस. तो वो विटामिंस की टैबलेट्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वो लेना स्टार्ट कर दें ताकि आपकी जो ये जल्दी थकने वाली बहुत सूनर फटीग है आपकी हैबिट बन चुकी है इसको आप ख़त्म कर सकें. सेकेंडली वो आपको और भी टैबलेट्स देते हैं विच वुड प्रोवाइड एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर डाइट. वो डाइट के अकॉर्डिंग ही आपको देते हैं जो आपकी डाइट की कमी है उसको पूरा करने में हेल्प करती है. लेकिन अगर आप इन मेडिसिन से बचना चाहते हैं, अगर आप इस मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिंस हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट है और इनकी जो कमी है वो आप नेचुरल फूड से ऑब्टेन करें. ये सारे के सारे वो विटामिंस हैं जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे पास फूड्स होती हैं, ग्रीन फूड्स होती हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के अंडर फॉल करवाते हैं, वो सारी की सारी. इसके अलावा सन से आपको विटामिंस मिल सकते हैं. सो दीज ऑल विटामिंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज कैन नेवर बी हार्मफुल फॉर यू. सो आप उनकी मदद से इन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इनसे बच सकते हैं और इनको क्योर कर सकते हैं, इनको ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट हाउ व्हेन वन पर्सन कनेक्टेड टू अनदर पर्सन द डिजीज विल स्प्रेड फ्रॉम one to another person and what are the different ways of passing of these diseases. So stay connected, stay tuned to our channel office.com.pk. thank you so much.